तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे होंगे? आप लोग ठीक ही होंगे और ठीक ही रहना चाहिए आप लोग। लॉकडाउन में अपने घर में स्वस्थ रहिए। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा चॉप। अंडा चॉप तो बाजार में मिलता है, गोल ऐसा करके बेसन में लपेट के छान देता है, मगर हम हटकर बताएंगे अंडा चॉप और बहुत स्वादिष्ट लगेगा। कैसा लगेगा, क्या लगेगा, सब इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, आधा देखिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो हाँ, एक और बात कहना चाहते हैं गाइस, हमारे वीडियो पर बहुत कम व्यू आ रहा है। सब्सक्राइबर तो ठीक गेन हो रहा है मगर व्यू कम आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए मेरे वीडियो को और जल्द से जल्द मेरा 4000 घंटे का वाचतम कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग की वजह से ही मेरा 4000 घंटे का वाचतम कंप्लीट होगा। तो प्लीज इसके पर आप लोग ज्यादा विशेष ध्यान दीजिए और मेरा 4000 घंटे का वाचतम कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं क्या है, कैसे बनता है अंडा चॉप, कैसे होता है, तो सब इस वीडियो में बताएंगे। बस एक बार 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 कर वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सो गाइस, हम तेल को गर्म कर लिए हैं और जीरा इसमें डाल दिए हैं। अभी से हम प्याज, अदरक और मिर्चा डाल के इसे भून रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, कैसे हम बनाते हैं अंडा चॉप। और बहुत स्वादिष्ट लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा खाने में। हम सिर्फ आलू से हम बना के दिखाएंगे अंडा चॉप। तो बस वीडियो में बने हुए रहिए। इसे हम हल्का ब्राउन हो जाते हैं, इसमें हम आलू को ऐड कर देंगे। आलू को भूंज लेंगे हम, भूंज कर उसके बाद वीडियो में हम बताते हैं कैसे क्या करना, कैसे अंडा चॉप बनेगा, कैसे क्या बनेगा, सब इस वीडियो में बताएंगे। बस ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को आगे चलते हैं। तो सो गाइस, देख सकते हैं आलू हम इसमें डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं। अब आलू को हल्का पूरा अच्छा से भूंज लेना है। तो हम भूंज रहे हैं आलू का अंडा चॉप हम बना रहे हैं। तो आप लोग बेसन में लपेट के बाजार में मिलता है अंडा चॉप, 10 रुपए में वो देता है। तो हम घर में हम सिंपल तरीका से बता रहे हैं और बहुत खाने में स्वादिष्ट लगेगा गाइस। तो बस वीडियो में बने हुए रहिए। देखिए हम आलू को अच्छा से भूंज रहे हैं, तो लालपन आलू आ जाना चाहिए। लोग घर में ट्राई किए हैं खाकर, तब हम आपको हर चीज को हम ट्राई करने के बाद ही आप लोग को बताते हैं। तो देखिए आलू को भुजा गया है, ऑलरेडी भुजा के तैयार हो चुका है। मेरे घर में धनिया का पत्ता नहीं है, तो आप लोग के घर में होगा तो धनिया का पत्ता ऐड कर दीजिएगा, मेरे घर में भी नहीं है। तो हम आलू को भूंज लिए हैं और 5 मिनट अब इसे लाल थोड़ा ब्राउन करने दीजिए। बस आलू भून के तैयार हो चुका है, इसे हम प्लेट में आलू को निकाल लेते हैं। देखिए हम आलू को इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं, इसे 5 मिनट ठंडा हो देते हैं ताकि जो गीला टाइप का है वो आलू टाइट हो जाए। इस तरह से हम निकाल लिए आलू को, गैस को भी बंद कर देते हैं। तो देखिए गैस, आलू को हम भूंज लिए हैं, देख सकते हैं आलू को हम भूंज लिए हैं। अब इसे 5 से 10 मिनट इसे ठंडा होने देते हैं। तो वीडियो में बने हुए रहिए। तो सो गाइस, अब अंडा ले लिए। देखिए इतना पीस हम काट चुके हैं पहले से, कैसे काटना है वो हम बता रहे हैं। तो ये साइड को आप किनारा कर दीजिए, यानी हटा दीजिए, ये साइड को भी हटा दीजिए। आप इसे क्या करिए, धीरे धीरे पतला पतला स्लाइस में आपको काटना है। देखिए इस तरह से आपको काटना है, इसे हम साइड में रखते हैं। इस तरह को अंडा को आपको काटना है। देखिए बहुत स्वादिष्ट बनेगा, देख सकते हैं। इस तरह से अंडा को आपको गोले गोले पीस में, एक अंडा का 3 पीस आपको करना है। इसे हम साइड कर दिए। आपको आवाज़ तो आता होगा गैस, तो तेल दूर गर्म हो रहा है। तो देखिए इस तरह से काट लिए, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। देखिए 3 पीस हो चुका है। बस इसी तरह से अंडा को आपको पीसे पीस अच्छा तरीके से काटना है। तो ऐसे होता है। क्या आप इसमें डलाएगा, वीडियो में बने हुए रहिए। तो सो गाइस, अंडा को हम इस तरह से हम आलू को झाक दिए हैं। अब इस तरह से हमको फिर इसको, यानी पूरा इसको तोप देना है अंडा को। तो देखिए गाइस, देखने में कितना लुक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आलू का टिक्की हम खा रहे हैं। तो बस इस तरह से आप सेकेंड वाला हम बना के आपको हम दिखाते हैं। तो हम सेकेंड वाला हम बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए आलू को हम फिर से ले लिए हैं हथेली पर। थोड़ा गैस, आलू गर्म है गैस, थोड़ा हथेली मेरा जल रहा है। तो ले लिए अब इसको आपको इस अंडा को इसमें सेव कर देना है। देखिए हम सेव कर दिए हैं, देख सकते हैं। और फिर ऊपर से आलू इस तरह से आपको उसको लपेट देना है।
बस देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है बाजार का हम अंडा चप खा रहे हैं। कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। घर में आप लोग लॉकडाउन में घर में बना के बस इसी तरह से सिंपल तरीका से खाते रहिए, और क्या, लॉकडाउन में अपना घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बाल बच्चा के साथ खुश रहिए। तो बस देखिए गाइस कितना सुंदर लुक लग रहा है देखने में। अभी से हम रिफाइन में तेल तलेंगे और उसके बाद हम बताएंगे। इसमें हमको बेसन लपेटना है, लपेट के इसको तल देना है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो वीडियो में बने हुए रहिए। तो सो गाइस देखिए तेल गरम हो चुका है और हम इतना तैयार कर लिए हैं, हम वो प्रिया तैयार किए हैं। तो प्रिया भी मेरे साथ हेल्प करती है हर वीडियो में, प्रिया भी मेरी रहती है बेटी। तो बस तेल को गरम हो चुका है, अब क्या करना है इसको ध्यान से देखिएगा। ये हम बेसन लिए हैं, बेसन को ऐसे करके हल्के आपको लपेटना है और धीमा आँच में इसको आपको डाल देना है और धीमा आँच में ही भूनना है आपको। तो बस फिर देखिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं, तो देखिए हम हल्के बेसन में ले लिए कि इसको धीमे आंच पर भूना, क्योंकि आलू भी सीझा हुआ है, अंडा भी सीझा हुआ है, तो सीझाने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्राउन होना है। देखिए हम बेसन में फिर लपेट लिए, फिर यहाँ पर ऐसे दे दिए। आप लोग रोटी पर आराम से खा सकते हैं गैस, बहुत स्वादिष्ट लगेगा रोटी पर। आप लोग रोटी पर भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए हम आज को इसको ऊपर हम डाल दिए हैं, कैसा लगा देख कमेंट में तो जरूर बताइएगा गाइस। कैसा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सब चीज आप कमेंट में बताइएगा। देखिए हम 5 पीस डाल चुके हैं, अभी से हम हल्का ब्राउन हो देते हैं। एक और बन गया है, प्रिया बेटी मेरी बना चुकी है, तो इसको भी हम डाल देते हैं। तो बस अब हम बताते हैं कैसे भूने। देखिए गाइस तेल ज्यादा गर्म हो गया था, देखिए गाइस वाह कितना सुंदर लग रहा है गाइस दिखने में, आप लोग देख सकते हैं स्वादिष्ट लग रहा है। रवि तो लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है गाइस, लग रहा है अभी हम खा जाए, मगर अभी खाएंगे नहीं, बाल बच्चा देले भी हम नहीं खाते हैं गाइस। देखिए गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लुक लग रहा है, जैसा लग रहा है अंडा चप नहीं आलू चप है, और इसके अंदर अंडा है डाला हुआ। किसी को भी अपना परिवार को बना के दीजिएगा तो वो चकित हो जाएगा, या ऐसा अंडा चप होता है, मगर होता है, क्यों नहीं होता, होता है। आप लोग वीडियो में बने हुए देख सकते हैं गाइस, देखने में कितना अच्छा लुक लग रहा है। हर समय मेरे समय ही लाइन काट जाता है गाइस, क्या करें, उसके लिए सॉरी कह रहे हैं आपको। देखिए अभी लाइन कट गया, तो आप लोग को नजर आता होगा कैमरा से शूट कर रहे हैं, तो वीडियो में बने हुए रहिए। तो सो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा लुक लग रहा है, ब्राउन हो चुका है अंडा और आलू सब मिलकर मिक्स अंडा चप। देखिए अभी से हम थोड़ा सा और ब्राउन होने देते हैं जो हम डाले हैं। देखिए गाइस ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं आपको हम आगू में आके दिखाते हैं, देख सकते हैं गाइस कितना लुक लग रहा है, देख सकते हैं आप लाल ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं बहुत स्वादिष्ट बना है। बस आप लोग इसी तरह से तरीका से आप लोग अंडा जब खा सकते हैं घर में, आलू बेसन बस अंडा, बस 3 चीज से अंडा चप बन जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी से हमको 2-3 गो और लाल होने दीजिए, उसको वीडियो में बने हुए रहिए। तो सो गाइस हम प्लेट में निकाल चुके हैं और ये वाला थोड़ा सा और भुंजा रहा है, हल्का ब्राउन हो रहा है क्योंकि अभी हम डाले हैं, इसे हमको हल्का ब्राउन करने दीजिए। तो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा, आप लोग दिखता होगा देखने में कैसा लग रहा है। कोई भी नहीं विश्वास करेगा गाइस कि ये अंडा चप है, आप लोग किसी को भी बना के आप लोग हैरान कर सकते हैं। आप लोग सबको बोलेगा कि हम आलू चप बनाए हैं, मगर जब खाएगा उसका मुंह में जाएगा तो बोलेगा वाह कैसा बनाए हैं आप। तो बस प्लीज आप लोग एक बार घर में जरूर ट्राई करेगा, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। तो सेकंड हम बना रहे हैं, बन रहा है सेकंड, भुंजा के रेडी हो चुका है और बच गया है, तो मेरा आलू नहीं था, आलू खत्म हो गया था। तो देखिए 4 पीस बच गया, आलू सेकेंड गैस पर सीझ रहा है, उसको हम बनाएंगे। आप लोग को इतना दिखा दिए कैसे बनता है, तो आप लोग पर घर में जरूर एक बार ट्राई करिएगा। देखिए इसे हम भूनने देते हैं, और ब्राउन हो देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा गैस, किसी को भी दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि अंडा इसमें है, मगर जब खाएगा तो वह बोलेगा वाह वाह कैसे बनाने का तरीका है। मगर आप लोग देखिएगा ये भी भूजा के रेडी हो चुका है, ज्यादा इसको नहीं जलाना है, हल्का जलाना है, तो हल्का ब्राउन करना, ज्यादा जलाने पर जलान पड़ जाएगा। देखिए हम निकाल लिए सब प्लेट में, देखिए गाइस निकाल लिए हम अंडा चप,
अंडा चब बन के रेडी। अब गैस को थोड़ा ऑन कर देते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट बनेगा बाद में। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस, कैसा लग रहा है, खाने में स्वादिष्ट लगेगा, लाजवाब लगेगा। तो चलिए मेरे को यहीं पर खत्म करते हैं। तो कैसा लगा गाइस, देखिए अंडा चप, अंडा अंडा ही अंडा है, अंडा पर भी बंडा है। तो देखिए खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा, आप लोग घर में जरूर ट्राई करिएगा। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा, कैसा लगा एक बार प्लीज गाइस जरूर बताइएगा। अब इसे हम तोड़ के भी दिखाएंगे तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा। तो हम इसे गर्म में गाइस हाथ तोड़ जर रहा है, तो इसे हम चक्कू से तोड़ के दिखाते हैं। तो बस गाइस देख सकते हैं क्या लाजवाब है, क्या स्वादिष्ट है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग भी खाइएगा तो बोलिएगा आंटी आप कैसा चीज बताएं। तो प्लीज गाइस इसके लिए तो 1 लाख बनता है, 1 लाख कर दीजिएगा और प्लीज हमें सपोर्ट करिए कि जल्दी से जल्दी मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। आप लोग के प्यार या दुआ से ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।